हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और आज का अपना जो मुद्दा है वो क्या होगा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और उनके जो कंसेप्ट हैं वो अपन देखने वाले हैं। देखिए, मैं एक संख्या लिख दूं आपके सामने, 6438। मैं बोलूं इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, पहला अंक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। इसका दहाई अंक, टेंथ डिजिट है, वो क्या है, 3 है। सैकड़े का अंक, हंड्रेड डिजिट होगी, वो क्या होगी, 4। और थाउजेंड वाली डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आज जो अपना फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, पूरा का पूरा इकाई अंक पे रहेगा, यूनिट डिजिट पे रहेगा। मैं आपको लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल रख दूं, जैसे 346 को 538 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँ आपको मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट नहीं बताना, आपको क्या बताना कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, तो वो क्या होगा। तो अपन क्या करने वाले होंगे, देखिए आप 346 लिखते हो, बेसिक मेथड जो मल्टीप्लाई करने का यही करते हैं ना, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6848 का 8 लिख देते हैं, देन कैरी आगे चलती जाती है और मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले क्रॉस लगा देते हैं। फिर 5 से मल्टीप्लाई कब करते हैं, पहले दो बार क्रॉस लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ से गौर करो, यदि अपन लास्ट में इनको ऐड करेंगे तो यहाँ तो क्या आने वाला है, 8 ही आने वाला है ना। तो जो भी रिजल्ट होगा उसका पहला अंक तो यहीं से ही फैसला होगा ना, क्या आएगा, 8 आएगा। यानी अपन को पूरी संख्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली यूनिट डिजिट से ही क्या कर सकते हैं, अपन फैसला कर सकते हैं। तो मान लो जैसे मैं अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन बना दूं, 394 है, 437 है, 838 है, 536 है, इसका क्या बताना है अपन को, यूनिट डिजिट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसका इकाई अंक क्या रहेगा। तो अपन एक चीज जानते हैं कि अपन जब इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो किस पे डिपेंड करेगा, खाली लास्ट वाला डिजिट पे। तो अपन को सिर्फ लास्ट वाला डिजिट पे क्या रखना है, ध्यान रखना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 28 का क्या लिखना है, 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 64 का क्या आएगा, 4। और 4 को क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 24 का क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 4 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, 736 बोल दिया, 239 बोल दिया, 7864 कह दिया, 5397 बोल दिया, बोलिए इसका क्या बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। तो क्या करेंगे, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 54 का 4, 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 6, 16 का 6 लिख देंगे, और 6 इंटू 7, 42 का क्या लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा, 2 अपना क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो ये बहुत आसान मामला है, पूरा भारत इसको आराम से कर सकता है। तो इस तरह के स्ट्रेट सीधे सवाल तो नहीं पूछता, पूछता कैसे है, पावर वाले मोड में क्या डाल के रखता है, क्वेश्चन डाल के रखता है। जैसे यूँ बोल देगा, 437 की पावर 6 का क्या बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आप जानते हो 437 की पावर 6 का मतलब क्या है, 437 का 6 बार गुणा। तो अपन करेंगे क्या, देखिए अपन इसको 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक मीनिंग क्या है इसका, 437 × 437 × 437 × 437 × 437 × 437 437। इसका यूनिट डिजिट बताना है, और अपन जानते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए देखना क्या है अपन को, खाली लास्ट वाली डिजिट, 7 को 7 से करो, 9 × 7 = 63 का क्या आएगा, 3 × 7 = 21 का 1, 1 × 7 करेंगे तो 7, एंड 7 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 अपना इसका क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन से अपन क्या नोट कर रहे हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ काम में कौन आ रहा है, लास्ट वाला डिजिट काम में आ रहा है, और कितनी बार उसकी जो पावर है वो पावर उतनी बार क्या आ रहा है, काम में आ रहा है। ये पीछे वाली जो संख्या है इसका कोई यूज नहीं है, ये खाली दिखावे के लिए है, माहौल बनाने के लिए है। तो इसके बेसिस पे मैं दो एक बातें लिख दूं, यदि मान लो कोई तुमसे पूछे 238 की पावर 534 का यूनिट डिजिट बताना हो, इसका इकाई अंक बताना हो, तो अपन यूँ लिख सकते हैं क्या, 238 की पावर 534 का इकाई अंक अपन सीधा लिख सकते हैं क्या, कि इकाई अंक होगा वो 8 पे डिपेंड करेगा, 8 की पावर कितनी, 8 की पावर 534 के इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्यों, मान लो आपसे पूछे, आपसे कह दिया जाए कि 473 की पावर 5975 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपने बोल सकते हैं ना, जो भी होगा वो 3 की पावर 5975 के इकाई अंक के, यूनिट डिजिट के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन आप बताइए
क्या 3 की पावर 5, 9, 7, 5 अपन निकाल सकते हैं? क्या अपन 8 की पावर 5, 34 की वैल्यू निकाल सकते हैं? वैल्यू नहीं निकाल सकते, फिर भी क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब कोई ना कोई तो क्या है, लॉजिक है, और वो लॉजिक अपने पकड़ में आ गया तो मामला सुलझ जाएगा। तो वो लॉजिक क्या है वो अपन देखते हैं। देखिए, ये तय हो गया कि इकाई अंग निकालने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ लास्ट वाली डिजिट और उसकी क्या पावर। अब पावर को कैसे सुलझाएंगे वो देखो। मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, 510 की पावर 237 का यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे साहब ये तो 0 की पावर 237 पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, और 0 की पावर 237 निकालने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा 0। इसमें तो कैलकुलेशन हुई नहीं। 731 की पावर 548 मान लो अपन से पूछता, इसकी कोई इकाई अंग निकालने के लिए कहता, तो क्या बोलते? 1 की पावर 548। इसमें ही मजा आ जाएगा अपन को, कोई मेहनत नहीं करनी। मान लो 435 की पावर 986 का इकाई अंक अपन से पूछता, क्या बोलते अपन? 5 की पावर 986 पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। अब देखो, अपन को पता 0 की कोई भी पावर हो 0 होती है, 1 की कोई भी पावर हो क्या होती है 1 होती है, लेकिन 5 की कोई भी पावर हो वो 5 तो नहीं होती ना। तो देखिए जरा होती क्या है 5 की पावर्स। 5 की पावर 1 क्या होती है 5, 5 की पावर 2 क्या होगी 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। तो आप देखिए लास्ट में तो क्या आ रहा है, 5 की कोई भी पावर हो वैल्यू भले ही अलग अलग हैं लेकिन यूनिट डिजिट तो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। तो अपन यहाँ ये फैसला कर सकते हैं कि 5 पे भी कोई भी पावर हो इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। मजा अपन को फिर आ जाएगा 1 की और 0 की तरह। मान लो ये आ जाता 736 की पावर 489, अपन क्या बोलते कि भैया ये तो 6 की पावर 489 के यूनिट डिजिट पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो आप देखिए 6 की पावर्स क्या क्या होती हैं, 6 की पावर जानते हो, 6 की पावर 1 6 की पावर 2 क्या होती है 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296। तो 6 की कोई भी पावर्स लीजिए, लास्ट में तो क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है ना। तो अपन फैसला फिर कर सकते हैं कि यदि 6 की कोई भी पावर हो इकाई अंक क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है। 0, 1, 5, 6 यदि अपने पास आगे लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 है, तो अपन को कतई दिमाग नहीं लगाना, इकाई अंक क्या रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो अपन इसको तो समराइज कर सकते हैं, ये जो 0, 1, 5 के लिए, ऐसे अपने पास टोटल कितने डिजिट हैं, अपने पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हैं। तो उन सारे के सारे 10 डिजिट्स के जो भी पैटर्न हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। इन 4 डिजिट्स का पैटर्न क्या है, इन पे तो कोई भी पावर लगी हुई आ जाए इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनके बेसिस पे मैं ये लिख सकता हूँ, पहला रूल लिख दूँ मैं इनको सोल आउट करने का, कि आपको कहीं भी क्या मिल जाए, 0, 1, 5, 6 मिल जाए, 0, 1, 5, 6 के ऊपर कोई भी पावर, कोई भी घात लगी हुई आ जाए तो एक बात तय है, इनका यूनिट डिजिट जो है, इनका जो भी इकाई अंक होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम मतलब 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6 रहेगा। 0, 1, 5, 6 की तो कोई भी पावर आएगी, इकाई अंक सेम रहेगा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना इसमें। उसके बाद देखिए ऐसे क्या है, टोटल 3 तरह के क्या हैं नंबर्स रहेंगे। एक तो क्या है 0, 1, 5, 6 जिनमें क्या रह जाएगा, सेम, फिर 4 और 9 का एक स्लॉट होगा, फिर 2, 3, 7, 8 वो जो एक जैसे पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो दूसरा पैटर्न है 4 और 9 का, एक बार देखना। मान लो कोई तुमसे पूछे 534 की पावर 736 का क्या बताना है, या 738 कर दिया, मान लो मैंने 738 का क्या बताना है, इकाई अंक बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भैया 4 की पावर 738 पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। अब ये वैल्यू तो अपन नहीं निकाल सकते, अपने पास तो अब क्या तरीका बचा, अपने पास तो यही बचा कि अपन 4 की कुछ पावर्स लिखेंगे और उन पावर्स के पैटर्न को क्या करेंगे, नोट करेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ नतीजे अपन को निश्चित ही मिलेंगे। देखो 4 की पावर 1 क्या होती है 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6 करोगे तो 4096। देखिए क्या आ रहा है 464646। 4 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट या तो क्या आना है 4 आना है या क्या आना है 6 आना है। अब यहाँ से गौर करिए 4 कब आ रहा है, देखो जब पावर 1 है, 3 है,
फाइव है, जब 1, 3, 5 पावर्स हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और जब पावर के 2 है, 4 है, 6 है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है अपना, 6 आ रहा है। तो क्या इन पावर्स में आप फर्क कर पा रहे हैं क्या, 4 कब आया जब पावर 1 है, 3 है, 5 है, कैसी है पावर्स, 1, 3, 5 ओड नंबर्स हैं। तो अपन यहां से एक पैटर्न लिख सकते हैं क्या कि 4 की कोई भी पावर आ जाए, यदि वो पावर ओड है तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 रहेगा, और 4 की पावर क्या आ जाए, इवन आ जाए, सम संख्या आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये अपन 4 का पैटर्न लिख सकते हैं, 4 की पावर ओड आ गई, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4, 4 की पावर इवन आ गई, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। जैसे मान लो किसी ने बोला, अभी इसका कोई पूछता तो क्या बताते हैं अपन, यहाँ लास्ट में 4 है, पावर कैसी, इवन है, तो क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। किसी ने बोल दिया 7, 9, 6, 4 की पावर 5, 3, 1, 7, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर दिखने में कुछ भी हो, है तो ओड ना, पावर जब भी ओड होगी इकाई अंक क्या बन जाएगा अपना, 4 बन जाएगा। तो 4 में भी कोई मेहनत नहीं करनी, पावर को देखते ही क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि 4 आना है कि 6 आना है। ओड होगी तो 4 आएगा, सेम रहेगा, इवन होगी तो 6 आएगा। जैसा 4 का पैटर्न है सेम डिटो किसका पैटर्न है, 9 का पैटर्न है। 9 का पैटर्न क्या है वो देखो, 9 की पावर्स आप जानते हैं, 2-3 पावर्स लिखिए। 9 की पावर 1 क्या होती है, 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, देन आगे 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 9 क्या होगा, 1, देन फिर से इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, फिर 9 से करोगे तो 1, तो क्या चल रहा है वही 9 1 9 1 9 1। जैसी 4 की कहानी चल रही थी वैसी किसकी कहानी चल रही है, 9 की कहानी चल रही है। तो 4 की तरह इसका भी अपन फैसला कर सकते हैं कि यदि 9 की पावर क्या आ जाए, ओड आ जाए, विषम आ जाए, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 ही रहेगा। 9 की पावर यदि इवन आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो इकाई अंक क्या रहेगा, 1। ओड पे 9, इवन पे 1। मान लो आपसे कहा 5, 3, 9 की पावर 7, 5, 6, 3, 9, क्या बोलने वाले हो, इव ओड पावर है तो सोचने की जरूरत नहीं है, 9 सेम रह जाएगा, 4, 39 की पावर 7, 68 होता तो क्या बोलते, ये पावर क्या है, इवन है, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास 6 डिजिट्स के पैटर्न अपन ने पढ़ लिए, 0, 1, 5, 6 है तो क्या रहना है, सेम रहना है। 4 और 9 की कहानी क्या चलेगी, इवन और ओड पे चलेगी, ओड पे तो दोनों सेम रहते हैं, इवन पे 4 क्या हो जाएगा, 6, ये इवन पे क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। 6 डिजिट बन गए, बाकी कौन से डिजिट बचे अपने पास, 2, 3, 7 और 8। अब उनके भी अपन क्या है पैटर्न देखते हैं, वो क्या है, ये दोनों के पैटर्न जो है आप नोट कर लो, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं 2, 3, 7, 8 की कहानी क्या है। मान लीजिए आपके सामने अपन 6 डिजिट का काम कर चुके हैं, 0, 1, 5, 6 है तो सेम रहेगा, 4 नौ का पैटर्न क्या है, ओड इवन, देन 2, 3, 7, 8 के लिए क्या होगा वो देखो। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 532 की पावर 758 मिल गया अपन को, और बोले कि भैया इसका क्या बताओ, इकाई अंक बताओ, तो अपन क्या कहेंगे, ये 2 की पावर 758 के यूनिट डिजिट के बराबर रिजल्ट देगा, इसका इकाई अंक जो भी होगा 2 की पावर 758 पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। अब देखो वैल्यू तो इसकी नहीं निकाल सकते, तो अपने पास तो वही पुराना हथियार, कुछ पावर्स लिखेंगे, उन पावर्स पे क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो देखो 2 की पावर्स क्या क्या है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 आप जानते हो 16, 2 की पावर 10 तक तो वैसे भी याद रहनी चाहिए, मैथ में तो काम में आता ही आता है, रीजनिंग में भी कई बार सीरीज के क्वेश्चन में बहुत काम में आता है। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 क्या होगी 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 क्या होगी 1024, देन 2048, देन 4096, आगे भी आप लिख सकते हो 8192। अब देखिए इकाई अंक पे अपन गौर करें तो क्या आ रहा है 2486, फिर 2486, 2486, 2 की कोई भी पावर हो, ये तो तय हो गया कि जो भी यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 2, 4, 8 और 6 में ही होने वाला है। लेकिन अब अपन को ये
फैसला करना है कि कब तो ये क्या होगा, दो होगा, कब चार होगा, कब आठ और कब क्या होगा, छः होगा। तो गौर करिए, इसका जो यूनिट डिजिट है दो की पावर्स का, वो दो कब आया है? देखिए, जब पावर कैसी है, जब पावर कैसी है, दो होने के लिए पावर कौन कौन सी है, वन, वन पे दो आ रहा है, देन फाइव पे आ रहा है, उसके बाद दो किस पे आया है, नाइन पावर पे आया, देन देखो कौन आना चाहिए, ये तो 12 पावर की वैल्यू है, 13 पावर पे, आगे ऐसे ही चलोगे तो 17 पावर पे। चार कब आ रहा है, जब देखिए पावर क्या है आपकी, कौन कौन सी पावर पे इकाई चार आ रहा है, जब पावर दो है, जब पावर छः है, जब पावर दस है, दो छः दस फोर्टीन एटीन, यदि ये पावर्स हैं तो इकाई क्या आने वाला है, चार आने वाला है। आठ कब आएगा वो देखो, आठ कब आ रहा है, जब पावर कितनी है, जब आपकी पावर है वो तीन है, और आठ कहाँ पे आ रहा है, सात पे आ रहा है, और देन ग्यारह पावर पे आ रहा है, आगे बोलिए पंद्रह पे आना चाहिए, उन्नीस पे आना चाहिए, यही ना। छः कब आ रहा है, कौन कौन सी पावर्स पे, जब पावर कितनी है, चार है, आठ है, सोलह है, बीस है, सॉरी बारह भी होगा ना, बारह होगा, सोलह होगा, बीस, चौबीस, इन पावर्स पे क्या आ रहा है, छः आ रहा है। तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि भैया चार चार के गैप पे क्या होंगे, इनकी क्या है, साइकिल चलेगा, हर चार के बाद इकाई अंक रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते कि ऐसी पावर यदि आएगी तो इकाई अंक क्या होगा, दो होगा, ऐसी पावर आएगी तो क्या होगा, चार होगा, ऐसी पावर तो आठ, ऐसी पावर तो कितना होगा, छः होगा। एक बार वैसे अपन को इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन में नहीं करना, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, एक बार बेसिक पैटर्न देख रहे हैं कि जो लास्ट एंड रिजल्ट होगा वो बन के कहाँ से आया है। बेसिक देखने से क्या है, कई बार कोई क्वेश्चन आउट ऑफ बुक्स आता है, थोड़ा सा घुमा के आता है, वहाँ यदि बेसिक पढ़े हुए हैं तो क्या है, क्वेश्चंस को हैंडल करने में दिक्कत नहीं आती, और अदरवाइज सीधा यदि डायरेक्ट रटा मार रखा है तो सीधा रटा रटा है कुछ मामला आता है तो ठीक है, थोड़ा सा भी घूम गया तो अपन भी साथ साथ क्या होते हैं, घूम जाते हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो इन पावर्स पे दो रहेगा, इन पावर्स पे चार, इन पे आठ, इन पे छः। अब बताइए इन पावर्स में खास बात क्या है, ये तो सब में है कि इनमें चार चार का अंतर है, तो वह अंतर तो यहाँ भी चार चार का है, यहाँ भी चार चार का है, और यहाँ भी क्या है, चार चार का। थोड़ा गौर गौर करेंगे कि चार चार का डिफरेंस तो है, इसके अलावा और क्या खास बात है, चार का डिफरेंस तो है, लेकिन क्या मैं यूं बोल सकता हूँ, देखना एक बार, एक पाँच नौ तेरह सत्रह, ये सब वो संख्याएँ हैं जिनको यदि अपन चार से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, चार से डिवाइड करते हैं, तो आपका रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। ये चार चार के गैप पे संख्याएं हैं, और किस प्रकार की संख्याएं हैं कि इनको यदि आप चार से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, एक। देख लो कोई सी भी संख्या को आप चार से डिवाइड करके, तो एक हो, पाँच हो, नौ हो, तेरह हो, शेष पर हमेशा चार बचेगा। दो छः दस चौदह अठारह, ये कैसी संख्याएं, इनको चार से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, दो बचेगा। ये वो संख्याएं जिनको यदि चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, तीन। और ये कैसी पावर्स हैं जिनको चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचने वाला है, जीरो बचने वाला। और आप ये भी जानते हो किसी भी संख्या को चार से डिवाइड करेंगे तो चार ही घटनाएं होंगी, या तो रिमाइंडर एक बचेगा, या दो बचेगा, तीन बचेगा, या वो क्या हो जाएगी, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो पावर में इस तरह के पैटर्न है, यदि रिमाइंडर एक बचता है पावर में चार का भाग देने पर तो दो होगा, यदि रिमाइंडर दो बचता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, चार, यदि रिमाइंडर तीन बचा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, आठ, यदि रिमाइंडर जीरो बचता है यानी पूरा पूरा पावर डिवाइड हो जाएगी चार से तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। अब मान लो अपन से यही क्वेश्चन पूछा था, टू की पावर 758, तो अपन को देखना कि 758 किस तरह की क्या है, पावर है। तो गौर करो, 758 को आप क्या करिए, चार से डिवाइड करिए, 758 को चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, रिमाइंडर आएगा टू। और जब जब रिमाइंडर टू आता है चार से डिवाइड करने पर, जब जब रिमाइंडर टू आता है, इकाई अंक क्या बनेगा आपका, चार बन जाएगा। जब जब पावर को चार से डिवाइड करने पर शेषफल दो आएगा, इकाई अंक क्या बनेगा, चार। यदि शेषफल तीन होता तो आठ, पूरा पूरा डिवाइड होता तो छः, और यदि शेषफल एक होता तो क्या बचता, दो बच जाता। अब चूंकि अपन ये हर क्वेश्चन में इतना ओपन करके तो नहीं कर सकते, और इनको अलग अलग याद रखना भी क्या है, थोड़ा सा बड़ा काम हो जाएगा। और ये तो चलो दो की बात रही, ऐसे तीन के लिए यदि याद करने बैठेंगे तो अलग पैटर्न होगा, सात के लिए अलग यूनिट डिजिट चलेंगे, नो आठ के लिए क्या चलेंगे, अलग चलेंगे। तो अब इनका क्या एक समराइज पैटर्न बनाते हैं, जैसे दो की पावर्स रिपीट हो रही है ना, वैसे ही आप तीन की पावर्स पे को नोट करना। एक बार देखिए तीन की पावर क्या होती है, 3, 9, 27, 81, देन 243, 729, देन 2187, देखो 3971, 3971,
हर चार के बाद ये रिपीट होंगे। सात की पावर्स देखेंगे ना, सेवन इंटू वन क्या, सेवन इंटू सॉरी सात की पावर एक इंटू क्या करेंगे, सात, सात की पावर दो 49, सात की पावर तीन आप जानते हो 343, देन 2401, 7931, फिर वापस इंटू सेवन करते क्या आ जाएगा, सात आ जाएगा। ऐसे आठ की पावर्स देखो, आठ की पावर एक क्या होती है, आठ, आठ की पावर दो आप जानते हो 64, एट की पावर थ्री 512, इंटू एट की पावर चार करोगे तो 4096, तो क्या 8426, वापस इंटू एट करोगे तो क्या 6 × 8 का 8 ही बन जाएगा। तो जैसे दो की जो यूनिट डिजिट हैं पावर वैल्यूज़ में वो क्या होती है, हर चार के बाद रिपीट होती हैं, वैसे क्या होती हैं तीन, सात और आठ की जो वैल्यूज़ हैं पावर्स की, वो हर चार के बाद रिपीट होने लग जाती हैं। तो इन चारों डिजिट के लिए अपने एक समराइज पैटर्न क्या कर देते हैं, बना देते हैं। और हाँ, वो जो पैटर्न होगा अब उसके पीछे जो क्या क्यों किंतु परंतु है उसका जवाब आपको ये चीज देगी। तो इन चारों डिजिट का जो पैटर्न लिखेंगे, जो अपन को याद रखना है वो क्या लिखेंगे, देखिए आपके पास लास्ट में तो दो मिल जाए, तीन मिल जाए, सात मिल जाए या आठ मिल जाए, इनके ऊपर कोई भी घात लगी हुई आ जाए, कोई भी क्या पावर आपको लगी हुई आ जाए, आपने तो देखा हर चार के बाद क्या होते हैं रिपीट होती है। और दो में अपन ने क्या फर्क करने के लिए क्या कर रहे थे, पावर को चार से डिवाइड कर रहे थे। तो इनमें से कोई भी डिजिट आएगी, पहला काम क्या करना है, पावर को चार से, घात को चार से क्या करना है, डिवाइड करना है। और आप जानते हो किसी भी संख्या को यदि चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, एक दो तीन या फिर जीरो। तो चार से डिवाइड करके शेष निकालना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा, तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा या फिर जीरो होगा। चार से डिवाइड करने पर क्या होगा, तो एक बचेगा, दो बचेगा, तीन या फिर जीरो बचेगा। एक चीज यहां ध्यान रखनी है, जब भी जीरो बचे तो आपको जीरो की जगह इकाई अंक क्या, सॉरी शेष पर क्या लेते हुए चलना है, चार लेते हुए चलना है, या तो एक बचेगा, दो बचेगा, तीन बचेगा। जब जीरो बच जाए तो क्या याद रखना है, जब जीरो होगा तो शेष पर क्या लेंगे, अपन चार लेंगे। हालांकि चार से डिवाइड करने पर वो चार नहीं बचता, लेकिन आगे बात करेंगे क्यों जीरो नहीं लेना है अपन को, होता तो वो शेषफल तो वास्तविकता में जीरो ही है, लेकिन चार क्यों ले रहे हैं उसके आगे एग्जांपल से अपन बात करेंगे। अब क्या करना है, ये जो दो तीन सात आठ की घाते लगी हुई हैं, कोई भी घात थी उस पावर को तो क्या कर दो, हटा दो, उस घात को तो भूल जाइए, और उस पावर की जगह क्या लिख दीजिए, शेष, जो भी रिमाइंडर था ना उसको क्या, हाँ, इस जो भी यूनिट डिजिट है इसके ऊपर लगा दीजिए। और ये जो है, ये जो भी संख्या है ना, इसका इकाई अंक ही क्या होगा, इसका इकाई अंक ही दी गई संख्या का इकाई अंक होगा। क्या करना है, दो तीन सात आठ के ऊपर कोई भी पावर आ गई, पहला काम पावर को चार से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर क्या होंगे, एक दो तीन या फिर जीरो। और ये याद रखना, जब भी जीरो बचे तो जीरो की जगह रिमाइंडर क्या काम में लेना अपन को, चार। अब इस रिमाइंडर का करना क्या है, जो भी ये डिजिट थी लास्ट में उसकी पावर को तो भूल जाइए, पावर की जगह क्या लिख दो, रिमाइंडर लिख दो, और जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लिए, वही आपका आंसर होगा। यही जो है, इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं अपन इसको, ये अपना तीसरा पैटर्न है या तीसरा रूल है। पहला 0156 पे क्या था, सेम था, चार नो का आप जानते हो, ओड इवन, ओड इवन, दो तीन सात आठ के लिए। एग्जाम्पल्स देखिए, मान लो आपको ये मिल गया 587 की पावर 654, इसका क्या पूछ लिया आपसे, यूनिट डिजिट पूछ लिया। तो पहला काम क्या होगा, अपन पावर को चार से डिवाइड करेंगे, 654 को क्या करिए, चार से डिवाइड करिए। आप 654 को चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, शेषफल क्या आने वाला है, चार का भाग लगाना बहुत आसान काम है, आप शेषफल क्या पाएंगे, दो मिलेगा आपको। अब करना क्या है, अब सात की जो पावर, आप ये जानते हो ये तो फालतू है, कोई उपयोग नहीं है इसका, सात पे पावर लगी हुई है तो सात की पावर को तो भूल जाओ, सात के ऊपर क्या लिख दो, शेष लिख दो, जो भी रिमाइंडर है उसको सात के ऊपर लिख दो, यानी सात की पावर दो चढ़ा दीजिए। सात की पावर दो की वैल्यू क्या होती है, 49, और 49 का ये जो 9 है यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस पूरी वैल्यू का इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। एक चीज और,
जब भी आप संख्या को चार से डिवाइड करने जाते हो तो आपको पूरी पावर को चार से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। चार को क्या है, चार से डिवाइड करने के कुछ जुगाड़ है, आगे अपन भाजकता के नियम पढ़ेंगे तब भी अपन डिस्कस करेंगे। मान लो ये संख्या 7386987, इस संख्या को अपन को चार से डिवाइड करना है, तो आपको पूरी संख्या को चार से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, खाली आप क्या करो, लास्ट के दो डिजिट को, दो डिजिट से जो भी संख्या बननी है उसको चार से डिवाइड कर लो। 87 को आप चार से डिवाइड करिए, क्या बचेगा, तीन बचेगा ना, तो इस पूरी संख्या को चार से डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला है, तीन ही बचने वाला है। जैसे यहां अपन ने 654 को चार से डिवाइड किया, आप खाली 54 को डिवाइड करते हैं ना चार से, तो भी रिमाइंडर क्या आना था, वही दो ही आना था। तो आगे से अब अपन को ये भी ध्यान रखना कि पूरी पावर को चार से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पावर के लास्ट के दो डिजिट को चार से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो तो अपन को सीधा मिल जाएगा। जैसे अपन इसके और एग्जांपल लें, मान लो आपको ये मिल जाता 5273 की पावर 8975 का आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो पहला काम क्या रहेगा, ये तो क्या है, फालतू है, कोई उपयोग नहीं है, पावर को चार से डिवाइड करना, और पूरी पावर को भी नहीं करना, लास्ट के दो अंक को 75 को क्या करिए, चार से डिवाइड करिए। 75 को चार से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आने वाला है बताइए, तीन आएगा, रिमाइंडर हो गया अपना तीन। अब क्या करना है, आप ये जो तीन है, तीन के ऊपर क्या चढ़ा दो, रिमाइंडर लगा दो, जो भी शेष आया उसको तीन के ऊपर रख दो, तीन की पावर तीन कितना होगा, 27, और 27 का ये सात ही क्या हो जाएगा अपना, सात ही अपना आंसर है। मान लो आपको यो मिल गया 5978 की पावर 2452, इसका आपको इकाई अंक बताना है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है, खाली बहकाने के लिए है। ये पहला काम क्या, पावर को चार से डिवाइड करना, 52 को चार से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हो रिमाइंडर कितना आएगा, 52 को चार से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड होता है ना 52 चार से, तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और जब भी जीरो आता है तो क्या लेना है, जीरो की जगह चार काम में लेना है। अब देखिए 8 के ऊपर क्या लगा दो, रिमाइंडर, जो भी शेष है उसको 8 के ऊपर लिख दो, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मान आपको याद शायद नहीं होगा, कोई बात नहीं, 8 की पावर 4 का मान याद नहीं है तो कोई नहीं, आपको इसका मतलब तो याद है ना, 8 की पावर 4 का मतलब 8 × 8 × 8 × 8, 8 का 4 बार गुणा। तो देखिए 8 × 8 = 64 का 4, 4 × 8 32 का 2, 2 × 8 = 16 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आप 8 की पावर 4 है, आप इसको 64 × 64, 4 × 4 = 6 भी आप सीधा बोल सकते हो, तो इस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो। हाँ, अब अपन यदि मान लो ये रिमाइंडर जीरो की जगह 4 रखा अपन ने, जीरो रखने से क्या हो जाएगा, क्या दुर्घटना होगी, देखो यदि आप 8 की पावर 0 रख दोगे तो आप जानते हो ना किसी भी संख्या पे पावर 0 लग गई तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब आप बताओ ये एक सम संख्या है, उस पर कोई कई सारी पावर लगा रखी है अपन ने, उसका इकाई अंक कभी 1 आ सकता है क्या, तो ये दुर्घटना ना हो इसलिए अपन क्या, जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा 0 की जगह क्या लेते हुए चलेंगे अपन, 1 लेते हुए चलेंगे। तो ये अपने क्या हो गए, तीन पैटर्न या तीन रूल हो गए। 0, 1, 5, 6 का क्या है पहला रूल, वो यदि लास्ट में दिख जाए तो पावर से कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। 4 और 9 का क्या था दूसरा रूल, कि यदि पावर ओड है 4 की तो क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 4 की पावर सम में तो 6, 9 की पावर ओड है तो 9 हो जाएगा, इवन है तो 1 हो जाएगा, और 2, 3, 7, 8 की कहानी ये है ही आपके सामने। क्या है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, 1, 2, 3 या 0, 0 की जगह 4 लेना है, और जो भी डिजिट हो उसकी पावर की जगह रिमाइंडर लिख दीजिए, इन एग्जांपल्स की भांति जो अपन ने किया है ऐसे। ये अपने चार रूल है, इनमें सारे के सारे क्या हो गए, कवर हो गए। अब देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपको याद रखने हैं तीन पैटर्न, इनसे सब कवर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस में सिंपली यो कर दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा 382 की पावर 575 मिल गया, 387 की पावर 258 मिल गया, 538 की पावर 484 मिल गया, एंड 274 की पावर 565 अपन को मिल गया, और बोल दिया कि भैया इसका क्या बताइए, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करिए। तो क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं, सबके अलग अलग क्या निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए और लास्ट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो बस अपन को क्या है वो तीनों रूल्स में से पकड़ना कि कौन सी लास्ट वाले डिजिट है और उसकी कैसी क्या पावर है। देखो दो, पहला क्या है दो, तो दो की, दो का रूल क्या है भैया, दो के लिए पावर को चार से डिवाइड करते हैं, तो आप 575 को चार से डिवाइड करो और पूरी संख्या क्यों, खाली 75 को चार से डिवाइड करेंगे ना, 75 को चार से डिवाइड करोगे तो आप बताओ रिमाइंडर कितना आने वाला है, तीन, तो क्या लिख देंगे दो की पावर तीन बन जाएगा। ये सात का रूल क्या है, वही पावर को चार से डिवाइड करते हैं लास्ट रूल, तो 58 को चार से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा दो, तो सेवन की पावर कितनी लगा देंगे दो लगा देंगे। आठ का रूल क्या है, वही पावर को चार से डिवाइड करना, 84 को यदि चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और जीरो जब भी आता है तो अपन क्या लेते हैं रिमाइंडर चार काम में लेते हैं, तो आठ की पावर कितनी हो जाएगी चार। और चार का क्यों रूल है, चार का रूल क्या है, इवन और ओड देखते हैं ना अपन, तो चार की पावर कैसी है ओड है, और चार की पावर ओड पे आप जानते हो क्या होता है, इन सब के यूनिट डिजिट देख लो आप, टू की पावर थ्री क्या होता है एट, तो इकाई अंक भी आठ हो जाएगा, सात की पावर दो 49 का नाइन, एट की पावर फोर अभी निकाला था, एट की पावर फोर आप यूं भी कर सकते हो 64 into 64, 4 into 4, 6, और चार की पावर जब ओड होती है तो क्या होता है चार, इसका हिसाब कर लो, 9 into 8, 72 का 2, 2 into 6, 12 का 2, 2 into 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाते हैं क्वेश्चंस, दो तीन चार डिजिट के क्या पैटर्न आपके सामने रख देंगे और आपसे हिसाब करवा लेंगे। यदि ये इनटू में है तो क्या कर देंगे अपन, सबके इकाई अंक निकालिए और इनटू कर दीजिए, प्लस में आएंगे तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, माइनस में आएंगे तो माइनस में हिसाब कर लेंगे। जैसे मान लो प्लस में आ जाता है ये, तो क्या करते अपन देखिए, मान लो क्वेश्चन ये होता, सेवन फोर्टी नाइन की पावर फाइव, एट फोर्टी सिक्स बोल दिया, टू सेवन थ्री की पावर फाइव सेवेंटी नाइन कह दिया इंटू सॉरी प्लस, सेवन फिफ्टी सिक्स की पावर फाइव थर्टी एट एंड फोर थर्टी सेवन की पावर सिक्स नाइन्टी सिक्स बोल दिया, और बोले कि भैया इसका क्या यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करने हैं, तो कुछ नहीं सबके अलग अलग इकाई फाइंड आउट करिए और लास्ट में ऐड कर दीजिए, सिंपल सा काम है। देखिए नो का क्या है, नो की पावर कैसी है, नो की पावर इवन है, और नो की पावर जब भी इवन होती है आप जानते हो क्या आता है, सॉरी छः एक आता है, ओल्ड पे तो क्या होता है नो आएगा, इवन पे क्या आएगा एक आ जाएगा। तीन का क्या रूल है, पावर को चार से डिवाइड करके, 79 को चार से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा तीन, तो तीन की पावर तीन चढ़ा दो 27 का सात लिख देंगे। छः के लिए कोई नियम की जरूरत ही नहीं है, छः का सीधा ही क्या रहता है छः लिख देते हैं। सात के लिए क्या करते हैं, पावर को चार से डिवाइड करते हैं, 96 को क्या करिए चार से डिवाइड करोगे तो क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा ना, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है चार, तो सात की पावर चार लिखेंगे। सात की पावर चार क्या होती है 2401, या तो याद हो तो एक लिख दो, नहीं भी याद है तो सेवन की पावर टू इंटू सेवन की पावर टू, 49 into 49, 9 into 9 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब ये प्लस में है तो आप इनको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, सात और एक आठ, 8 6 14 एंड 14 into 1 15 का क्या लिख देंगे 5, 8 6 14 और 1 15 का 5 अपना क्या बन गया इकाई अंक बन गया। तो गुणा में है इकाई अंक को गुणा कर लिया, जोड़ में तो क्या कर लिया जोड़ कर लिया, घटाओं में आएगा तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, घटाना अपन को आता है घटा लेंगे, चलो घटाओ। चलो देखो घटाओ पे क्वेश्चन बन गया कैसे, आपको यूं दिया 753 की पावर 2 या 757 बोल देता हूं, 757 की पावर 259 माइनस 3643 की पावर 186 बोल दिया, और बोल दिया इसका क्या बताइए भैया, भाई साहब यूनिट डिजिट फाइंड आउट करिए, तो क्या करेंगे आप इसका निकाल सकते हो, सात तक रूल है पावर को चार से डिवाइड करना है, 59 को डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा तीन, ये सेवन की पावर थ्री, यहाँ तीन का भी वही रूल है पावर को चार से डिवाइड करना है रिमाइंडर कितना आएगा दो, तो तीन की पावर दो, तो सात की पावर तीन क्या हो 343 का थ्री लिख देंगे, तीन की पावर दो नो, और ये माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब तीन में से देखो नो माइनस नहीं हो रहा, तो तीन में से नो माइनस नहीं हो रहा तो क्या करना है
13 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 4 अपना इकाई बन जाएगा। ये 13 कैसे बनाया, ये वही घटाने वाली प्रक्रिया में जो अपन कैरी लेते हैं, हासिल लेते हैं। जैसे ये 3 क्या है, ये इसका मान थोड़ी ना है, ये 3 क्या है, इसका यूनिट डिजिट है। ये संख्या तो काफ़ी बड़ी है ना, काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन ये पता है उसके लास्ट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है, उसके लास्ट में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। स्कूल में कैसे घटाते थे अपन, 3 में से 9 माइनस नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, एक हासिल ले लेते हैं, 13 बना लेते हैं ना, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। और स्कूल में क्या, अभी भी तो अपन ऐसे ही घटाते हैं, घटाने का तो यही तरीका है। तो जब ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो एक हासिल लेंगे और फिर घटा देंगे। आप यूँ भी कर सकते हो, यदि आपने मान लो 3 में से 9 घटा दिया, रिजल्ट आपने लिख दिया माइनस 6, जब ये माइनस आ जाए ना तो क्या कर दो, 10 में से घटा के लिख दो, 10 माइनस 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 4। क्या किया, 3 माइनस 9 माइनस का 6, माइनस में यदि है तो 10 में से माइनस कर दो, 10 माइनस 6 4। वो 10 क्यों लिया, क्योंकि जब अपन हासिल लेते हैं ना, 3 का 13 बनाया तो 10 एक्स्ट्रा क्या लेते हैं, उधार लेते हैं अपन, तो वो 10 यहाँ पे अपन ने दे दिया, कर दिया। इस तरीके से घटाओं में आए तो आप कर सकते हो, भाग में आए तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, करिए जरा भाग कर देंगे। तो देखो, यदि यो मिला क्वेश्चन आपको, आपको बोल दिया 29 की पावर 547 अपॉन 17 की पावर 348, इसका क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या करेंगे अपन, गुणा में क्या कर रहे थे, सबके यूनिट डिजिट निकाल रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, सम जब था, एडिशन था, तो क्या कर रहे थे, सबके इकाई निकाल के ऐड कर रहे थे, और घटाओ में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। लेकिन भाग में भाग नहीं देना है, डिवाइड नहीं कर देना है। इनटू की यदि बात करें तो इनटू में यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है। एडिशन में भी कुछ भी बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है। माइनस में भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। डिवीजन में यूनिट डिजिट को लेकर हर कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, बहुत सोच समझ के संख्याएं देनी पड़ेंगी। जैसे अब इसका आप ऐसे नहीं करना कि इसका निकाल देंगे और क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखो तो सही, आप क्या 29 और 17 कभी आपस में कटते हैं क्या, 29 और 17 ये संख्याएं कभी भी आपस में नहीं कटती, 29 17 आपस में कटता ही नहीं है। तो जब तक एक, अभी मान लो आप इसको डिवाइड करके रिजल्ट भी फाइंड आउट करना चाहोगे तो इसका रिजल्ट तो क्या जाएगा, पॉइंट में जाएगा ना। अपनी कल बात भी हुई थी, यदि कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसमें यदि नीचे 2 या 5 नहीं है तो तब तक तो वो रुकेगा ही नहीं, आगे तो क्या रिपीट और होगा, 12 और लगेगा इसमें, तो इसका इकाई अंक तो अपन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। इसका जवाब क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। तो भाग में ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है उठा के रख दे, गुणा में कुछ भी रख सकता है, कोई टेंशन नहीं है, जोड़ में भी रख सकता है, घटाओं में भी रख सकते हैं। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या रख दी डिवीजन में, या तो रखे, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं, लेकिन ये नहीं कि अब तक नहीं पूछा तो आगे नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन सीधा ही बनता है, बस आपको पहचान करनी कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 29 17 कट ही नहीं रहे तो ये तय हो गया कि इसका यूनिट डिजिट नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन डिवीजन में कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है जब संख्या आपस में क्या हो, कटने वाली हो। जैसे मान लो आपको बोल दिया 42 की पावर आपको 39 दे दी, देन आपको दे दिया 12 की पावर दे दी, मान लो 27 दे दी, और नीचे बोल दिया आपको 28 की पावर कुछ भी 30 दे दिया, और बोला ऐसा क्या बताओ, इकाई अंक बताओ। 42 की पावर 39 है, 12 की पावर 27, 28 की पावर 30। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये प्राइम नंबर्स स्ट्रेट नहीं है ना, संख्याएं आपस में कट सकती हैं। देखो 28 में क्या है, 7 और 4 अपने पास ऊपर अवेलेबल है ना, तो अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, नीचे क्या है, 28 सात और चार है ना, 7 इसमें है, 4 इसमें है, तो क्या करेंगे, देखो 42 क्या होता है, 7 × 6 की पावर 39, 12 क्या होगा, 3 × 4 की पावर 27 ये होगा, और 28 क्या है भाई साहब, ये 27 थोड़ी ज़्यादा छोटी पावर हो गई, 27 के बजाय अपन थोड़ी सी और एक बार, हालांकि 27 से भी कर सकते हो क्योंकि 2 इसमें क्या हो जाएगा, अपन को मिल जाएगा, लेकिन मान लो थोड़ी मैं बड़ी कर दूँ एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सीधा ही रखने के लिए, मान लो अपन ने इसको 33 ले लिया, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 37 बन जाएगा, ये 28 की पावर 30 है तो इसको क्या लिख देंगे, 7 × 4 की पावर 30 लिख देंगे। अब देखो गौर करो,
सात गुणा छः पे 39 लगाओ तो 7 की पावर 39 इंटू 6 की पावर 39, ये 3 की पावर 33 गुणा 4 की पावर 33 अपॉन यहाँ पे क्या है नीचे 7 की पावर 30 गुणा 4 की पावर 30। अब थोड़ा सा ये इकाई अंक से हटके थोड़ा सा सर्ड सर्ड इंडाइसिस का भी कंसेप्ट इसमें क्या आ रहा है, काम आ रहा है। घातांक करणी आपने सुना होगा है ना, देखो ऊपर 7 39 बार है, नीचे 7 30 बार है, तो क्या होगा, 7 कितनी बार बचेगा, 9 बार टाइम्स ही बचेगा ना, 6 नीचे है ही नहीं तो 6 पूरा का पूरा आ जाएगा, 39 टाइम्स 3 की पावर 33 है, 4 ऊपर 33 है, नीचे 30 बार है, तो 4 कितनी बार बच जाएगा, 3 बार। तो अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ये थर्ड डिवीजन में लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद आ किस में गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इनटू में आ गया, और गुणा में है तो कोई टेंशन नहीं है, अपने पास इलाज है, सबके यूनिट डिजिट निकालिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 की पावर 9 है तो क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करो, 7 की पावर 1 बन जाएगी, 6 का बिना टेंशन के लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 3 की पावर 33 है, 33 को डिवाइड करो क्या बचेगा, 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर ओड होती है तो क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, विषम संख्या पे 4 लिखते हैं, तो 7, 6, 42 का 2, 2 गुणा 3 6, और 6 × 4 24 का क्या लिख देंगे, 4 अपना क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। तो इस तरीके से जब डिवीजन में कोई क्वेश्चन आएगा तो निश्चित ही वो कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो आपस में क्या हो जाएंगी, ऊपर नीचे कट जाएंगी, वो सारा का सारा किस में, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि वो कन्वर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन में तो इस क्वेश्चन की तरह उसका फिर आंसर अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, उस पर फिर इकाई अंक को लेकर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई बनेगा तो आगे कोई आगे की पॉइंट के बाद ही कोई डिजिट वगैरह को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो इस यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से बाहर हो जाएगा, वो आगे फिर अपन रिमाइंडर फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे वो अपन देखेंगे। आज आप इन बेसिक्स जो ये 3 रूल हैं इनको अच्छे से रिवाइज करिए और ये 2-4 क्वेश्चंस रिवाइज करिए, ये 3 रूल आपको सटीक ध्यान रहने चाहिए। अब इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं कुछ क्वेश्चन डालने वाला हूँ, 25-30 क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे कुछ दिमाग की बत्ती जलाने वाले क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको क्या करिए ट्राई करिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट क्लास में अपन इकाई अंक पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, अगली क्लास यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को लेकर ही होगी, लेकिन उस क्लास के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि आपको ये 3 पैटर्न क्लियर हों, सटीक खोपड़े में बैठे हों, फिर अपन पे बढ़िया बढ़िया जो भी क्वेश्चन है वो सब कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।